नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। गन्नौर में हरियाणा दिवस के मौके पर नवज्योति स्कूल में हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने हरियाणवी गीतों पर रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ ही कष्ट निवारण समिति के सदस्य योगेश कौशिक और भारत विकास परिषद की संयोजिका निशा कौशिक ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन ने कहा कि हरियाणा के युवाओं में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो काबिलियत दिखती है वो बहुत अच्छी लगती है। हर क्षेत्र में वो अपना लोहा मनवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणवी संस्कृति और बोलचाल की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है और हमें अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार में योगदान देना चाहिए। इन बच्चों को पढ़ाने का काम दो व्यक्ति करते हैं, सिर्फ दो व्यक्ति। घर में ये जो बैठी हैं सब हमारी माताएं बहनें हैं, इन बच्चों की मां। अगर इनको आईएएस बनाना है तो कोई भी बना सकता है, ये बना सकते हैं। और स्कूल में टीचर ये तो सब खड़ी है ना, काली साड़ी पहने वाली साड़ी। घर में मां, स्कूल में टीचर, ये दो श्रेणी अगर हमारे देश की ठीक हो जाए तो हमारा देश 10 साल में सोने की जगह बन जाएगा। वहीं गन्नौर के पीएस पब्लिक स्कूल में हरियाणा दिवस और दीपावली पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान पूरे भारत के व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने नटराज थिएट्रिकल ग्रुप के मार्गदर्शन में रंगोली तोड़ बनाने जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। स्कूल के निदेशक संजीव कौशिक ने कहा कि दिवाली स्वच्छता और शुभता का प्रतीक है और हम स्वच्छता अपनाकर सभी लोगों का हित कर सकते हैं। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमिला भारद्वाज, पूर्व प्रधान, आपको बता दें कि पूर्व प्राचार्य पूर्णमल गौड़ सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो हम इस त्यौहार को मनाने के लिए मेले के तौर पर बच्चों ने अपना प्रयास जो यहाँ आपके सामने दिखाया है, इससे लगभग हम गदगद हैं कि इतनी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता बच्चों ने यहाँ पर दिखाई है कि मिठाई हम बाजार से न खरीद करके किस प्रकार से अपने आप हेल्दी तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं। ऐसे स्टॉल इन्होंने अपने आप मार्केटिंग में किस प्रकार से हम परचेज करते हैं और किस प्रकार से हम उसको सेल करते हैं और किस प्रकार से हम उसको तैयार करते हैं, ये सारा का सारा जो हमारी नई शिक्षा नीति में सरकार लेकर आना चाह रही है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, उसके ऊपर, उस टाइटल के ऊपर इन्होंने अभी से तैयारी शुरू की है। और ये मैं ये चाहता हूँ कि भाई इनसे सीख लेकर के इनको हमें अपने घरों में इस प्रकार का माहौल बनाना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पतला के प्याला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा शांतिनाथ की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को हरियाणा दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती बहुत पवित्र है। इसके अलावा योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करना भारत का अपमान है और ऐसे लोग भारत की एकता और अखंडता के लिए दुश्मन हैं। कार्यक्रम के दौरान विधायक नयनपाल रावत भी मौजूद रहे। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।